नमस्कार, मैं सतीश शर्मा अपने शर्मा जी इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि सारे टेंसेस, चाहे पारा प्लस आठ यानी एक्टिव पैसिव वाइस के आपको रूल्स बताऊंगा। तो हम एक वीडियो में सारा सब कुछ प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन सारी आपको जानकारी मैं दे देता हूँ। आप फिर इसको इंडिविजुअली हम जब आप जान जाएंगे तो एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज देखिए, मेन हमारा उसके पर रूल्स के ऊपर रहेगा, कौन कौन से रूल हैं। फिर उनकी रूल प्रैक्टिस करने के लिए हम इंडिविजुअल एक सीरीज चलाएंगे, इसके बाद वन बाय वन एक एक टेंस का लेकर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट सिंपल। आपको पता है 12 टेंसेज होते हैं एक्टिव वॉइस में। टेंसेज होते किसके हैं? ये वर्ब की फॉर्म होती है टाइम के अनुसार, ये एक्शन का टाइम बताती है। जैसे प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। फिर इसका ये परमानेंट है, टेम्परेरी है या कंप्लीटेड है, ये और पहले से शुरू हो गया और अब भी चल रहा है, ये सब बताने के लिए अलग अलग इनके चारों के सब सेक्शन होते हैं। जैसे तो इसमें परमानेंट के लिए हम सिंपल टेंस यूज करते हैं, और कंटिन्यूस के लिए, टेम्परेरी के लिए हम कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं, और कंप्लीटेड एक्टिविटी के लिए हम नॉर्मली परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो पहले से शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट के चार सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट के चार इसी तरह से, फिर फ्यूचर के चार, तो हो गए 12। और आठ हम करते हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। हम चार कौन से नहीं करते हैं? दंड जो यूज नहीं होते हैं, बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन उसका एक दो रूल है, उसका रूल के अनुसार इनको हम एक तो फ्यूचर कंटिन्यूस को पैसिव वाइज नहीं बनाते हैं, और जितने परफेक्ट कंटिन्यूस है उसका पैसिव वाइज नहीं बनाते हैं, यूज नहीं होता है, ये अनकॉमन है। तो आठ मतलब तीन परफेक्ट कंटिन्यूस निकल गए तो नौ रह गए, एक फ्यूचर कंटिन्यूस निकल गया तो आठ रह गए। तो आठ पैसिव वाइज में और 12 एक्टिव वाइज में हम इसकी फॉर्म आपको बताएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल आप देख रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस में ये आप देखिए, आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ केवल बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, जैसे इसमें हमने लिया लाइक, तो आई लाइक, वी लाइक, यू लाइक, दे लाइक। ओके, ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, इससे सबके साथ हम ऐसा ही यूज करेंगे जो भी यूज करना, जिस पर एक्शन होता है। और अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, तो फिर हम बेस फॉर्म के साथ या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। ओके, लाइक्स हो जाता है। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम बी की फॉर्म यूज करते हैं, यानी बेस फॉर्म यूज करें, फर्स्ट फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जो एक्शन वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है। तो अब देखिए, आई वी यू दे के साथ, मतलब आई के साथ तो एम लगेगा, और वी यू दे के साथ आर लगेगा, और ही सी इट हो तो इज लगेगा, और ये थर्ड फॉर्म सब में एक जैसी रहेगी। और फिर हम अगर एजेंट बताना हो, यानी किसके द्वारा काम किया गया, तो बाई प्लस हम उस एजेंट को लिखते हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल। यूज इसके मेन मेन देख लेते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है और रूटीन एक्शन के लिए यूज होता है। हैबिचुअल और रूटीन एक्शन, ठीक है। और जनरल ट्रूथ बताना हो, जैसे सूरज, ठीक है, पूर्व में निकलता है, को फैक्ट्स बताना हो, जैसे आम मीठा होता है, और फिक्स्ड शेड्यूल चाहे प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर का हो, अरेंजमेंट जैसे बताना हो, ये जनरली हम ऑफिशियल के लिए यूज करते हैं। जैसे रोज प्रेजेंट शेड्यूल बताना हो कि कितने बजे पहुंचती है, 5 बजे पहुंचती है, वैकेशन कब से स्टार्ट होगी, ये बताना हो, उसमें भी हम ये यूज करते हैं, स्टार्ट लिखा, यही इसी टेंस का यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्शन बताना, भाई ये करो, जैसे वहां जाइए और फिर उससे वहां से आप बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, ये बताने के लिए भी हम इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ये थे आपका प्रेजेंट सिंपल के यूजेस। इसमें जो एडवर्ब्स हैं जनरली यूज होते हैं आपके, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन और नेवर, ठीक है, इसका प्रयोग, इसका हम प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज करते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है कि आप देख रहे हैं कि आई के साथ एम, आई के साथ एम, और वी यू दे के साथ आर, और ही सी इट के साथ हम इस का प्रयोग करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आई एन जी फॉर्म यूज की जाती है। जैसे डू हो तो आई एम डूइंग,
वी यू ते आर डूइंग ही सी इट इज डूइंग, और इसमें ये ऑब्जेक्ट सबके साथ एक जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वही हम जैसे ऊपर हमने यूज किया था प्रेजेंट सिंपल में इज आर एम का प्रयोग होगा। इसमें एक खास बात और है कि बी की फॉर्म कंटिन्यूस जुड़ जाए तो इसमें बीइंग हो जाएगा, और पैसिव फॉर्म जो भी एक्शन वर्ब हो उसका थर्ड फॉर्म लगता है। और ये एजेंट का मैंने बता दिया, एक जैसे बाई प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा, सॉरी बाई प्लस कोई भी नाउन प्रोनाउन रहेगा। कब यूज होता है, जो जिस समय बात करते हैं उस समय कोई एक्शन बताना हो उसके लिए, टेम्पररी सिचुएशन बताना हो, जैसे आजकल हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, और इसमें आपको कोई चेंजिंग हैबिट्स, चेंजिंग हैबिट्स का मतलब जैसे आप रोज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो उसके अंदर प्रयोग। और अनॉइंग यानी फ्रस्ट्रेटिंग कोई एक्टिविटी जो रिपीटेड एक्शन होता हो, जैसे वो ये करता रहता है, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। बाकी कैसे यूज करेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान। ये फ्यूचर मतलब कोई प्लान फ्यूचर के लिए भी, खासकर पर्सनल के लिए उसका यूज किया जाता है। जैसे वी आर मीटिंग फॉर लंच टुमारो, यानी फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखेंगे जो विधि है, जिसमें दो दो है इसके अंदर, एक तो है जिसके साथ हैव आएगा और एक जिसके साथ हैज आएगा। ही सी इट के साथ हैज आएगा, बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग होगा। और इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है। और ऑब्जेक्ट में जैसे द वर्क है, सबके साथ एक जैसा रह सकता है, जो भी काम बताना हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसी फॉर्म में। पैसिव वॉइस में हम बीन और ऐड कर देंगे जो उसमें एक्टिव वॉइस में था, तो जैसे आई हो, यू हो, यू हो, दे हो, हैव बीन, और जैसे इनफॉर्म एक्शन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और ये एजेंट बाई प्लस कोई नाउन लगा देंगे। यूज कैसे होते हैं, मेन यूज का क्या है, एक कंप्लीटेड एक्टिविटी या कब, जैसे प्रेजेंट में अभी तो अभी कोई काम पूरा हुआ उसके लिए, या अनस्पेसिफाइड टाइम हो पास्ट का, कोई बता नहीं रखा हो, ना कोई इम्प्लाइड हो ना बता रखा हो, उसमें भी इसका यूज होता है। और अभी तक जो अनुभव रहा है उसको बताने के लिए इसका यूज होते हैं। और आपका पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अब तक जारी है, इसमें स्टेट वर्ब के लिए इसमें यूज करके, जिस स्टेट वर्ब के अंदर आई एन जी यूज नहीं करते उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बदले परफेक्ट यूज करते हैं, ये बताऊंगा प्रैक्टिस के दौरान। अचीवमेंट्स बताने हैं, जैसे हमने ये काम किया, अभी तक ये प्राप्तियां हुई हमारी, उसके बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो मेथड देख लीजिए, वही हैज हैव का नियम ऊपर वाला ही है, आई वी यू दे के साथ हैव यूज होगा, ही सी इट के साथ हैज यूज होगा, और इसमें बीन लगता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का प्रयोग होता है। इसमें खास बात है टाइम दिया होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सेंस का यूज, जैसे सेंस मॉर्निंग, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो उससे पहले फॉर का लगाते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इसका जनरल जो यूज है वो ये है कि ये जो पास्ट में शुरू हुआ और अब तक जारी था या जारी है, दोनों केस में इसका प्रयोग होता है। कैसे इसका यूज करेंगे ये बताएंगे आपको प्रैक्टिस के दौरान। नेक्स्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में क्या करेंगे हम, सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, इसमें कोई भी इसमें अलग नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकेंड फॉर्म बोलते हैं उसका यूज करते हैं वर्ब के फॉर्म का, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, वर और वाज का प्रयोग करेंगे, बी की सेकेंड फॉर्म पास या वर होती है, ठीक है। तो वी यू दे के साथ आई उनके साथ हम वर यूज करेंगे, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, इनके साथ वाज का प्रयोग होगा, और पैसिव वॉइस में एक ही फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म, ये एजेंट का मैंने बता दिया आपको। इसका यूज खासकर ये ध्यान रख लीजिए कि एक तो कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज होता है, जैसे हम कंप्लीटेड एक्शन का प्रेजेंट में यूज करते हैं अनस्पेसिफाइड टाइम पर प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पास्ट को स्पेसिफिक टाइम दिया हो पास्ट में कंप्लीट एडिक्वेसी, हम पर उसमें पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करते, उसमें यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। और ऑर्डर बताना हो, सीक्वेंस बताना हो टाइम के, जैसे देखिए आई इसमें आई वोक अप, गॉट ड्रेस्ड अप एंड देन वेंट टू वर्क, यानी सीक्वेंस बताने के लिए ये काम हुए उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। हैबिट बताना हो, रूटीन बताना हो पास्ट का, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ऐसा हुआ होता तो, ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर यूज होता है, उसके अंदर भी पास्ट टेंस का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूस में आप देखेंगे जहां से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम लगाया था, यहाँ पर वाज वर आएगा, वाज वर का मैंने बता दिया किसके साथ वाज आता है, किसके साथ वर आता है, आई ही सी इट के साथ वाज का प्रयोग, बाकी सबके साथ वर का प्रयोग होता है।
और इसमें फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हम देख तो इसमें बीइंग से पहले जैसे कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने इज आर एम बीइंग लगाते हैं, वाज वर बीइंग हो जाएगा और थर्ड फॉर्म यानी लाइक यानी पैसिव वॉइस में फॉर्म हो जाएगी। एजेंट का मैं बता चुका हूँ, बाई देते सबके अंदर एक जैसा लगता है। इसके यूजेस क्या है, अब जो कोई स्पेसिफिक टाइम में किसी पास्ट का टाइम में कोई एक्टिविटी जा रही थी शुरू हो गई खत्म, उसको किसके लिए यूज होता है। और इंटरप्टेड एक्शन, इंटरप्टिंग एक्शन, इंटरप्टिंग का मतलब जैसे व्हाइल आई वाज स्टडीइंग ये इंटरप्ट हो रहा था क्या करने से, माय फोन रैंग, तो ये कौन सा इंटरप्ट हुआ, इंटरप्टेड एक्शन ये इसके लिए यूज होता है। बैकग्राउंड एक्शन जैसे हम जब जा रहे थे समुद्र के बीच में टहले तो उसमें क्या हो रहा था, उस समय सूरज छुप रहा था, ये बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं। क्लैरिफिकेशन इसका जो पार्ट होगा साइमल्टेनियस एक्शन का होगा, जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग व्हाइल आई वाज वेटिंग, यार साइमल्टेनियस एक्शन के लिए भी प्रयोग होता है इसका। पास्ट परफेक्ट, अब मैंने बताया कंप्लीट एक्शन के लिए तो हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं स्पेसिफाइड टाइम पास्ट के, लेकिन पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होता है। पास्ट परफेक्ट का ध्यान रखना कि जैसे ये प्रेजेंट है, ये पी प्रेजेंट है, इससे पहले जैसे यहाँ पर कोई एक्शन हुआ और इस एक्शन से पहले या इस एक्शन हो या इसको टाइम पे रेफरेंस दिया हो, इससे पहले कोई कहीं पर भी कोई एक्शन बताना हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और खाली अगर ये एक्टिविटी बता रहे प्रेजेंट है या कभी किसी भी समय कोई सिंगल एक्टिविटी बतानी हो तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते। परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट तभी यूज होगा जब पास्ट का टाइम बताकर वही बताकर उससे पहले ही कोई काम हुआ है या पास्ट का कोई एक्शन हुआ, और जब दो एक्शन हुए ये बताना जरूरी है कि कौन सा पहले हुआ, जो पहले वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें वही है कि जब सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेड का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करेंगे, सिंस फॉर्म का यूज मैंने जैसे मैंने बताया वही होगा। इसमें जो यूज है मेन क्या है कि पास्ट ये जैसे प्रेजेंट है और ये पास्ट का कोई इवेंट है तो इससे पहले कोई काम शुरू हुआ हो ना और यहाँ तक होते होते यहाँ तक जारी था, ठीक है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आइए फ्यूचर, फ्यूचर में इसमें आपका बताइए कि जैसे एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, आई वी के साथ तो हम विल भी लगा सकते हैं, यानी विल सभी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन शैल जो फॉर्मली शैल यूज होता था लेकिन आजकल फॉर्मल माना जाता है, आई वी के साथ तो कर सकते हैं, बाकी सबके साथ आप शैल यूज नहीं कर सकते सिंपल फ्यूचर बताने के लिए। और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जैसे लाइक, ओके। पैसिव वॉइस में जैसे शैल विल का प्रयोग था उसके साथ ही बी का यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बी से बनता है, बी का फॉर्म यानी जो यहाँ पर लाइक फर्स्ट फॉर्म थी बी की फर्स्ट फॉर्म, और जो एक्शन वर्ब है उसका पास्ट टेंस यानी लाइक्ड, और ये बाई प्लस एजेंट। इसका यूज क्या है, इसका ये बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशंस है तो इंडिविजुअल टेंस को करेंगे डिस्कस करेंगे, फिर भी बता दें ये प्रिडिक्शंस के लिए यूज होता है, भविष्यवाणी करने के लिए और फ्यूचर का कोई स्टेटमेंट देने के लिए, और कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन यानी बात करते समय कोई एक्शन होता है तो या ऑर्डर होता है उसके बाद उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और या फिर प्रॉमिस या चेतावनी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये अलग से यूज होगा जब शैल विल के बताएंगे, इसमें अभी यूज नहीं बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। शेड्यूल्स एंड टाइम टेबल्स के लिए भी यूज होता है, कब बताएंगे ऐसे इसके अंदर वो बाद में बात करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या करेंगे, विल या शैल के बाद जैसे आई वी के साथ तो शैल भी लगा सकते हैं विल भी लगा सकते हैं, और फिर बी लगाएंगे और फिर आई एन जी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, डू जैसे डू है तो डूइंग हो जाएगा, आई शैल बी डूइंग या आई विल बी डूइंग, लेकिन यू दे के साथ इनके साथ हम केवल विल का ही प्रयोग करेंगे, शैल यूज नहीं हो सकता, शैल का दूसरा यूज हो बाद में बताएंगे इसके साथ। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसका जो यूज है उसमें स्पेसिफाइड जो फ्यूचर टाइम है उस समय कोई कार्य शुरू होगा लेकिन खत्म नहीं हुआ होगा उसको बताने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और जो प्रोग्रेस एट ए टाइम पर्टिकुलर टाइम, और दूसरा शेड्यूल इवेंट, ठीक है, ड्यूरेशन इसका भी ये भी डिटेल में बताएंगे आपको, और ये प्लान्ड एक्टिविटीज, ठीक है, हैपनिंग ओवर ए फ्यूचर पीरियड ये भी बताएंगे आप। प्रिडिक्शंस अबाउट ऑनगोइंग इवेंट्स, ठीक, उसके लिए यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट,
फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, वही विल शैल का, तो जैसे आई वी के साथ तो विल शैल दोनों आएंगे, बाकी सबके साथ तो विल का प्रयोग होगा, और इसमें हैव लगाएंगे, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगता है एक्टिव वाइस में, और पैसिव वाइस में विल हैव के बाद बीन भी लगेगा, जैसे आप देख रहे हैं ये बीन ऐड हो गया, बी से लग बनता पैसिव वाइस, बाकी सब सेम रहेगा, और बाय और हिम का प्रयोग होता है। ये फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम तक कोई कार्य पूरा हो गया होगा उसको बताने के लिए यूज होगा कंप्लीटेड एक्शन, दूसरा कंप्लीट बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, कोई दूसरा कोई फ्यूचर एक्शन हो उससे दो एक्शन बताने के लिए पहले वाले को बताने के लिए हम इसका टेंस का यूज करेंगे। देन स्पेकुलेशन अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, ठीक है, यानी ये कर चुका होगा उसकी स्पेकुलेशन को अनुमान लगाने के लिए पहुंच चुका होगा, या डेडलाइंस या फ्यूचर अचीवमेंट्स, फ्यूचर अचीवमेंट वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ, ये क्या है डेडलाइन फॉर कंप्लीशन, डेडलाइन के लिए यूज हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बहुत कम यूज होता है, ओके, लेकिन इसके फॉर्म क्या रहेगी, वही आई वी के साथ हम शैल विल दोनों, और बाकी सबके साथ केवल विल का प्रयोग करेंगे, हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, और फिर आई एन जी फॉर्म का प्रयोग होगा, और जैसा आप प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब उसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग भी करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम जैसे मॉर्निंग से कल से कहना हो तो सिंस यस्टरडे सिंस मॉर्निंग, और कितने टाइम से है जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ समय पीरियड बताना हो 2 घंटे से 4 घंटे फॉर का प्रयोग करते हैं, ओके। इसका जो यूज है वो क्या होता है कि ड्यूरेशन कंप्लीट जो कंप्लीट फ्यूचर का एक्शन है उसका ड्यूरेशन बताने के लिए इसका यूज किया, जैसे बाय द टाइम वी गेट देयर, जब तक वहां पहुंचेंगे दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स, हम पहुंचेंगे तब तक क्या उसका ड्यूरेशन मतलब कितना कर रहे होंगे कि 3 घंटे से कर रहे होंगे, ओके। और जो रिपीटेड एक्शंस लीडिंग अप टू फ्यूचर कंप्लीशन, जब मतलब ऐसा करते करते ये हो जाएगा तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। ये था आपका 12 टेंसेज एक्टिव वाइस के और 8 टेंसेज पैसिव वाइस के, ठीक। बाकी जो इसके अंदर दूसरे जो टेंसेज यूज होते हैं जो जो हाइपोथेटिकल हम बात करते हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, इफ के साथ यूज होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेज मतलब कंडीशनल और टाइम क्लास के सेंटेंसेज अलग से होंगे, अभी तक मैंने केवल आपको बेसिक रूल बताए हैं। अब इनको सीखने के बाद अगर आप जैसे मेथड देख लेंगे रिवाइज करना तो इसे एक वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं, और फिर इसका हम डिटेल से एक एक टेंस का एक एक वीडियो डालेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और जिसमें जो कंपैरिजन होगा कहाँ पर कंपैरिजन दोनों में क्या फर्क है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, यूज करते समय कौन कौन सी गलतियां होती हैं, इसका वीडियो अलग से होगा, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कंफ्यूजन है उसका अलग से वीडियो होगा। इस तरह से जो कंपैरिजन वाले वीडियो है जो यूज करते समय उसका आपको सेंटेंस देंगे और सारा एक एक करके आपको बताएंगे, अभी इसमें केवल जनरल नॉलेज आपको जनरल अवेयरनेस यानी बताया गया है मोटा मोटा कि ये रूल्स हैं इसके, ये टेंसेज हैं और ये इसका मेथड है और ये इसके थोड़े थे यूजेस आपको एक आउटलाइन बताई है, आधा घंटे में इतना ही हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।